नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 की 64 में हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जी, मैनपुरी से मौजूदा सांसद और इस बार प्रत्याशी भी। डिंपल जी, कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की? नहीं, बढ़िया तैयारी चल रही है और लोग इस बार मैं समझती हूँ बहुत ही जागरूक होकर वोट डालने जा रहे हैं और बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं यहाँ पे मैनपुरी में। पिछली बार हार जीत का अंतर तकरीबन 3 लाख वोट का था, इस बार उससे आगे जा रही हैं? हमें समझना होगा कि हम चाह रहे हैं कि इस बार हम आगे जाएं और जा भी रहे हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को धमकाया जा रहा है, जो एक लोकतंत्र के लिए सबसे हानिकारक बात है। और कहीं ना कहीं यह भाजपा के जो मंत्री जी हैं और जो भाजपा के जो लोग हैं और ये जो भाजपा की जो सरकार है, ये इसी तरह दबाव की राजनीति पूरे प्रदेश में चलाना चाहते हैं। लेकिन इस बार लोग जागरूक हैं क्योंकि आज हर वर्ग इन लोगों से परेशान है, नाखुश है और वोट डालने जाएंगे। वोटर्स को धमका रहे हैं आप ये कह रही हैं? वोटर्स को भी धमका रहे हैं जी। चलते चलते बात कर लेते हैं, मैनपुरी में मुद्दे स्थानीय हैं या राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं चुनाव में चर्चा में है वो मुद्दे हैं? मैं समझती हूँ स्थानीय के साथ राष्ट्रीय भी है, क्योंकि बेरोजगारी स्थानीय मुद्दा नहीं हो सकता, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इसी के साथ महंगाई भी स्थानीय मुद्दा नहीं हो सकता है, ये भी राष्ट्रीय मुद्दा है। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दे ही इस बार ज्यादा इफेक्टिव हैं, प्लस इसके साथ जो इसको एड ऑन कर रहे हैं वो स्थानीय मुद्दे भी हैं जी। अभी जिस तरीके से अचानक से मुस्लिम आरक्षण की बात होने लगी और कहा जा रहा है कि ओबीसी और SC ST का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, इस पर बीजेपी कह रही है कि हम संतुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और विपक्ष तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ये जो संतुष्टिकरण की पॉलिटिक्स है, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लोगों को ना उलझाएं, और जब ये आखिरी जब चुनाव चल रहे होते हैं तब इस तरह की जो ये बातचीत और जो भाषा शैली जो निकल के आती है, तो ये सही मायनों में भाजपा के जो चरित्र है उसको दर्शाने का काम कर रही है। लेकिन बार बार इसी शैली पे आप जो आ जाते हैं चुनाव के समय, तो जनता समझ गई है इस बात को। और 10 साल बहुत होते हैं उत्तर प्रदेश की, 7 साल यानी कि 17 साल का कार्यकाल बहुत होता है, अगर किसी को भी काम करने का किसी का भी उद्देश्य है तो वो पूरा कर सकता है 10 साल पे, लेकिन मौजूदा सरकार बुरी तरह विफल रही है। उनका आरोप है कि जो विपक्ष का मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का या फिर बाकी दलों का, वो देश के इस्लामीकरण का मैनिफेस्टो है, उसमें मुस्लिम लीग की झलक दिखती है। मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने मैनिफेस्टो की बात करिए कि आपने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करे थे वो पूरे करे या नहीं कर पाए आप। और इसी के साथ जो आपने कहा था कि आप लोगों को रोजगार दे देंगे युवाओं को, और जाने कितनी बातें कही थी अच्छे दिन से लेके आज जहाँ हम खड़े हैं। मैं समझती हूँ 10 साल का कार्यकाल बहुत होता है, लोग समझ चुके हैं किस तरह अच्छे दिन की बात करते करते इन लोगों ने थालियां बजवाई, इन लोगों ने हमारी मणिपुर की क्या हालत कर दी थी, वहाँ की महिलाओं के साथ क्या हुआ था, उसमें भी संवेदनहीनता दिखाई भाजपा ने। और इसी के साथ आज लेह लद्दाख की क्या सिचुएशन है, आज हमारी सरहदें सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ जो पुलवामा वाली घटना हुई थी उसका टाइमिंग पे भी हमको गौर करना पड़ेगा, और घटना क्यों हुई थी, क्या वजह थी, जब गवर्नर साहब ने कहा था कि आप एयरक्राफ्ट मुहैया कराइए, क्योंकि फौज इतनी सारी फौज एक साथ मूवमेंट का कोई रिवाज ही नहीं है। क्योंकि मैं खुद फौज से आती हूँ तो मैं जानती हूँ कि टुकड़ियाँ छोटी छोटी में मूवमेंट होता है, इतनी बड़ा आप फौज को नहीं मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सरकार की नाकामयाबी है हर फ्रंट पे, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल फ्रंट हो, हर तरह सरकार विफल रही है और खाली मीडिया के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार कर रही है। डिंपल जी, जितनी बातें आप कह रही हैं क्या पब्लिक तक ये बातें बिल्कुल वैसे ही पहुंच पा रही हैं, या उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में 370 था हमने वो कर दिया, राम मंदिर था हमने वो कर दिया, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना था हमने वो कर दिया? मैं समझती हूँ आपने जो भी करा हो लेकिन आप लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं बढ़ा पाए हैं। आज लोग गरीब हैं, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, आप राशन में भी आप चोरी कर रहे हैं, आप वोट की लूट करते हैं, आप चेयरमैनी के चुनाव में लोगों को जीतने नहीं देना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ पूरी तरह भ्रष्टाचार में यह लीन सरकार को हटाने का यही सही मौका है, और इसी के साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने का भी, और लोग समझ चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। मुझे बताया चुनाव की व्यस्तता है, आखिरी के 2-3 सवाल में जल्दी आपसे और करूंगा। अभी एक चर्चा ये चल रही है कि राहुल गांधी वापस अमेठी लौट सकते हैं, उनको लौटना चाहिए अमेठी? मैं समझती हूँ वो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है और हमारा इंटरफेरेंस कांग्रेस पार्टी में नहीं है जी। एक चर्चा ये भी है कि अमेठी जाने से पहले वो अयोध्या जा सकते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए अभी तक वो रामलला से दूरी बनाए हुए थे, अब उनकी सियासी मजबूरी है कि उनके दर पर जा रहे हैं।
तो ये तो मैं कहूंगी कि बचपना है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई भी जा सकता है और किसी भी समय जा सकते हैं। आप वक्त को क्यों देख रहे हैं? आप अपना तो देखते नहीं है कि जब आप अपने ये जो भटकाने वाले चीजें लेके आते हैं चुनाव दौर में, चुनाव के समय जब भटकाने वाली राजनीति लेके जाते हैं, जो अपने ये पोटली से चीजें निकालते हैं, तो मैं समझती हूँ जिसको लोकतंत्र है कोई भी कहीं भी कहीं भी जा सकता है। आप कोई होते ही नहीं है रोकने वाले, अगर उनका इच्छा है, अगर उनका मन है तो वो जाएंगे। लेकिन अभी तक डिंपल जी देखने को यही मिला है कि विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने अयोध्या से या रामलला से दूरी बनाए रखी है, क्या कारण है उसके पीछे? मैं ये कहना चाहूंगी, ये मीडिया और भाजपा के लोग जो गठबंधन है इसके माध्यम से इस तरह के प्रचार कर रहे हैं, और मैं नहीं समझती हूँ कि भगवान को कभी भी राजनीति में लाना चाहिए, क्योंकि जो ये फेथ होता है ये हमारा पर्सनल मैटर है और हमको इसको लोगों को दर्शाने की दिखाने की जरूरत नहीं है। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये आप कह रही हैं। अभी सैम पित्रोदा का दो चार दिन पहले एक बयान सामने आया, उस पर खूब बवाल हुआ। सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि देश में विरासत टैक्स लगना चाहिए जिसे अमेरिका में लगता है। आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए? अब ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है, समाजवादी पार्टी जो चाहती है वो है कि महिलाओं को पेंशन मिले। लगभग हम लोग 1 लाख महिलाओं को लगभग 1 लाख रुपए महिलाओं को पेंशन देंगे हम लोग जब सरकार में आएंगे, और इसी के साथ जो ये आपकी जो स्कीम है जो आपने चलाई है, जो अग्निवीर योजना है जिसने पूरे हमारे फौज का और हमारे पूरे देश का कहीं ना कहीं नुकसान किया है, कहीं ना कहीं पूरे देश को नीचा दिखाने का जो काम किया है, अगर सरकार आती है तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को बंद कराया जाएगा, जितने भी रिक्त पद हैं इन्हें भरा जाएगा, और जो पुलिस की भर्तियां निकल रही हैं और पुलिस के साथ जो भी सेंट्रल में जो भर्तियां निकलनी चाहिए उनको दिया जाएगा लोगों को, क्योंकि अगर आप रोजगार और नौकरी लोगों को नहीं देंगे तो वो अपना जीवन व्यापित नहीं कर सकते हैं, वो अच्छी शिक्षा नहीं पा सकते हैं। तो हमें समझना होगा ये सब चक्र है, अगर आप कोई भी चीज एक चक्र से बाहर निकालेंगे तो मैं समझती हूँ डिसबैलेंस होगा। पहले दो चरण के चुनाव के बाद आपको लगता है कि असल मुद्दों से चुनाव भटक गया है, अब हिंदू मुस्लिम की बात होने लगी है? लोग 10 साल में मैं समझती हूँ जान भी गए हैं, परख भी लिया है और समझ भी गए हैं अब, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई में जहाँ लोकतंत्र, और एक बात और कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि कोई विशेष समाज को दबाव बनाया जा रहा है, इसमें सब इंक्लूडेड है, इसमें हमारे व्यापारी भाई भी इंक्लूडेड है, इसमें हमारे पिछड़े इंक्लूडेड है, इसमें हमारे अगड़े इंक्लूडेड हैं, कोई छूटा नहीं है, इसमें हमारे दलित भाई भी इंक्लूडेड है, तो कोई भी समाज इस दबाव से छूटा नहीं है, इस बात को लोग समझ चुके हैं। और अगर वो चाहते हैं कि भविष्य में वातावरण अच्छा रहे, लोकतंत्र रहे, जहां लोग एक्सप्रेशंस को अपने मतलब बता सके और कोई भी डरे ना, हिचकिचाए ना कि अपने थॉट प्रोसेस को लोगों तक पहुंचाने में, तो मैं समझती हूँ लोग समझ चुके हैं, और इस तरह की राजनीति का जो नकारात्मक राजनीति है कहीं ना कहीं उसका इस बार लोग विरोध करेंगे, विरोध कर रहे हैं, जैसे हमने पहले और दूसरे चरण के चुनाव में देखा है, और जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा आपको और चीजें क्लियर होगी। मेरा आपसे वादा, आखिरी दो सवाल, एक तो ये कि एक आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी टिकटों को लेकर कंफ्यूज है, बार बार प्रत्याशी बदले जा रहे, भी अखिलेश जी ने कन्नौज से नॉमिनेशन कर दिया, वो प्रचार भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, हम चाहते हैं कि सीट निकालें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम कैंडिडेट बदल रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो हमारी प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी जीते, और ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश से जब जीतेंगे तभी केंद्र में हम लोग सरकार बना पाएंगे। परिवार में सबका सपोर्ट, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सारे बड़े बुजुर्गों का, सबका सपोर्ट है, हम गांव-गांव जा रहे हैं, सब बहुत लोग मिल रहे हैं जो नेताजी के साथी भी रहे हैं, और भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। हमने देखा आपकी बेटी अदिति भी प्रचार कर रही है। नहीं, वो भी अच्छी धूप खा रही है, मजा आ रहा है उनको भी, बिकॉज आपको ग्राउंड में वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा, एंड आई थिंक सो कि सब, क्योंकि हम गांव-गांव जाते हैं, सब बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं पॉलिटिक्स में, उनको होना भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड रहेंगे तभी आप जागरूक रहेंगे, तो मैं समझती हूँ अच्छी बात है कि बच्चे जा रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं। ओके, थैंक यू डिंपल जी हमसे बातचीत करने के लिए।